गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कक्षा 4 हिंदी। अभी तक हमने आपको पार्ट 4 पापा जब बच्चे थे यहाँ तक आपको पढ़ाया है और इसका अर्थ आपको समझाया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक कविता यहाँ पर है, यह केवल पढ़ने के लिए है। इस कविता का नाम है उलझन। उलझन यानी चिंता या परेशानी। तो यहाँ पे इस कविता के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं, पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, सबकी अलग अलग अभिलाषा सबका अपना नाता, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता। सुरेंद्र विक्रम ने ये कविता लिखी है। यहाँ पे बच्चे जो हैं अपनी व्यथा यहाँ पे बता रहे हैं कि परिवार में कोई हमसे कुछ बनो कहता है, कोई डॉक्टर बनो कहता है, कोई इंजीनियर बनो कहता है। उनके सामने यह उलझन आ रही है कि उन्हें आखिर क्या बनना है। यह उनके सामने एक चिंता, एक परेशानी उनको सताए जा रही है कि उनको आगे चलकर क्या बनना है। तो यहाँ पर पापा कहते बनो डॉक्टर, तो बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं कि पापा क्या कहते हैं कि क्या बनो, डॉक्टर बनो। आपके घर में भी आपके माता पिता आपसे यह प्रश्न पूछते हैं कि बेटा आगे चलकर आपको क्या बनना है, तो आप भी वहाँ पे जवाब देते हैं। कोई कहता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, और कोई कहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, कोई बोलता है कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। तो इस तरह से सभी बच्चों की अपनी अलग अलग इच्छा होती है अलग, और वह बताते हैं अपने माता पिता को, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को साइंटिस्ट बनना है और किसी को सिंगर बनना है। इस तरह से वह अपने माता पिता को बताते हैं कि उन्हें क्या बनना है। तो अब यहाँ पे माता पिता यह सवाल अपने बच्चों से पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे पापा कहते हैं कि बनो डॉक्टर, पापा क्या कहते हैं कि बेटा तुम्हें क्या करना है, डॉक्टर बनना है, और माँ कहती है इंजीनियर, और माँ क्या कहती है कि बेटा तुम्हें क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, भैया कहते इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, और जो भैया हैं मेरे घर में वो मेरे से क्या कहते हैं कि तुम इससे अच्छा क्या करो, कंप्यूटर सीखो, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से तुम आगे को कई चीज़ों को सीखोगे और तुम्हें इससे क्या होगा, काफ़ी ज्ञान बढ़ेगा और आगे को तुम्हें नौकरी व्यवसाय में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो पापा यहाँ पे कहते हैं कि तुम डॉक्टर बनो, और माँ क्या कहती है कि इंजीनियर बनो, और भैया क्या कहते हैं, इन सबसे अच्छा तुम क्या करो कंप्यूटर सीखो, चाचा कहते बनो प्रोफेसर, चाची कहती अफसर, और चाचा क्या कहते हैं कि तुम क्या बनो, प्रोफेसर बनो। प्रोफेसर कहाँ होते हैं, कॉलेज में होते हैं ना, और वहाँ पे चाचा क्या कहते हैं कि तुम क्या बनो, प्रोफेसर बनो, और चाची कहती हैं क्या बनो, अफसर बनो, और चाची क्या कहती हैं, अफसर बनो। ऑफिसर, आप जानते हैं ऑफिसर किसे कहते हैं, ऑफिसर का अर्थ है यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी, किसी विभाग का कोई बड़ा अधिकारी। इसके बाद दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, और दीदी जो है वो क्या कहती है कि तुम्हें आगे चलकर क्या बनना है, कलेक्टर बनना है। कलेक्टर का अर्थ होता है जिलाधिकारी, एक जिले का मालिक, जिसको आप DM भी कहते हैं, यानी डिस्ट्रिक्ट
मैजिस्ट्रेट। तो यहाँ पे दीदी कह रही है कि तुम्हें आगे चलकर क्या बनना है, कलेक्टर बनना है, जिलाधिकारी बनना है। इसके बाद बाबा कहते फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, और बाबा क्या कहते हैं कि फौज में जाकर देश के लिए क्या करो, सेवा करो और जग में नाम कमाओ। जो फौजी भाई हैं वो क्या करते हैं, बॉर्डर पर अपनी ड्यूटी देते हैं, पहरा देते हैं, आतंकवादियों से क्या करते हैं, लड़ाई लड़ते हैं और क्या करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं कि फौज में जाकर क्या करो, जग में अपना नाम कमाओ। इसी प्रकार दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, और फिर दीदी कहती है कि क्या करो, घर में रहकर ही कोई छोटा मोटा क्या लगाओ, उद्योग लगाओ। छोटा मोटा उद्योग क्या होता है, जैसे मोमबत्ती बनाने का उद्योग और अगरबत्ती बनाने का उद्योग। इसी तरह से जो छोटे छोटे जो उद्योग होते हैं वह क्या करो, दीदी क्या कहती है कि घर में ही रहो और छोटे उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता। तो बच्चे यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सबकी अपनी अलग अलग इच्छा है, अलग अलग चाहत है, सबका अपना नाता, क्योंकि सबका अपना अलग अलग नाता का अर्थ है रिश्ता, सबका अलग अलग रिश्ता है, जिससे मेरा जो रिश्ता है उन सब की क्या है, अलग अलग चाहत है, अलग अलग इच्छा है कि तुम्हें क्या बनना है, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता। लेकिन वह बच्चा कह रहा है कि जो मेरे मन की जो व्यथा है, जो परेशानी है, जो चिंता है, उसको कोई नहीं समझ पाता कि मुझे क्या बनना है। अक्सर बच्चों में यह बातें सामने आती हैं कि उन्हें आगे चलकर क्या बनना है, क्योंकि परिवार में जितने भी लोग होते हैं वह क्या कहते हैं, अलग-अलग सलाह देते हैं, अलग अलग राय देते हैं कि बेटा तुम्हें ये बनना है, वो बनना है। और जैसे यहाँ पे हम आपको इसको फिर से हम आपको इसको दोहरा रहे हैं कि पापा कहते बनो डॉक्टर, माँ कहती इंजीनियर। तो पापा यहाँ पे कहते हैं कि बेटा तुम्हें डॉक्टर बनना है, आगे को चल के क्या करना है, डॉक्टर बनना है, और माँ क्या कहती है कि तुम्हें आगे चलकर इंजीनियर बनना है। इसी तरह भैया कहते हैं कि इससे अच्छा सीखो तुम कंप्यूटर, इन सबसे अच्छा तुम क्या करो, कंप्यूटर सीखो, जिससे तुम्हें काफ़ी ज्ञान बढ़ेगा और आगे को नौकरी और व्यवसाय में इससे बहुत मदद मिलेगी। इसके बाद जो चाचा कहते हैं, चाचा क्या कहते हैं कि तुम प्रोफेसर बनो। प्रोफेसर जो डिग्री कॉलेजों में होते हैं, बड़ी बड़ी क्लासों को पढ़ाते हैं, उनको क्या कहते हैं, प्रोफेसर कहते हैं। और चाची कहती हैं कि क्या तुम्हें अफसर बनना है, कोई बड़ा अधिकारी बनना है, जैसे IAS अधिकारी, PCS अधिकारी या अन्य कोई बड़ा अधिकारी तुम्हें बनना है। दीदी कहती आगे चलकर बनना तुम्हें कलेक्टर, और दीदी कहती हैं कि तुम्हें आगे चलकर क्या बनना है, कलेक्टर बनना है। कलेक्टर का अर्थ होता है जिला अधिकारी। और बाबा कहते हैं कि फौज में जाकर जग में नाम कमाओ, और बाबा कहते हैं कि तुम्हें क्या करना है, फौज में जाकर देश की सेवा करनी है और अपना खूब नाम कमाना है। दीदी कहती घर में रहकर ही उद्योग लगाओ, और दीदी कहती है कि तुम घर में ही रहकर कोई अपना छोटा मोटा उद्योग लगाओ। सबकी अलग अलग अभिलाषा, सबका अपना नाता, और सब परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी अलग अलग इच्छाएं हैं, उनकी अलग अलग चाहते हैं, और सबका अपना नाता, और सबके अपने अपने रिश्ते हैं, जिससे परिवार में मेरा जो रिश्ता है उनकी अलग 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 इच्छाएं हैं, अलग अलग चाहते हैं, लेकिन मेरे मन की उलझन कोई समझ न पाता। लेकिन मेरे अंदर क्या परेशानी चल रही है, क्या चिंता हो रही है, वह कोई नहीं समझ पाता कि आखिर मुझे आगे को चलकर क्या करना है। तो बच्चे यहाँ पर अपने मन की व्यथा को प्रकट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो पंक्तियाँ लिखी हैं यह सुरेंद्र विक्रम के द्वारा लिखी हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, एक साथ तीन सुख, यहाँ पर भी है बच्चों के लिए पढ़ने
पढ़ने के लिए है, केवल पढ़ने के लिए कि क्या हुआ था इसको हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि तीन यात्री किसी शहर में से जा रहे थे, तभी एक सिक्का दिखाई दिया। यहाँ पे आपको दिखाया गया है ये तीन यात्री किसी शहर की ओर जा रहे थे, तो तभी उन्हें रास्ते में एक क्या दिखाई दिया, सिक्का दिखाई दिया। यहाँ पे आपको सिक्का दिखाई दे रहा है, तो वहाँ पे एक यात्री ने क्या कहा, आहा सिक्का देखो वह सिक्का गिरा है। तो वह सिक्का देख के क्या हो गए, खुश हो गए। यहाँ पे उसके बाद हम सबने इसे एक साथ देखा, इसलिए यह हम सबका है। तो वह तीनों यात्री क्या कह रहे हैं कि हमने इस सिक्के को क्या किया है, एक साथ देखा है, इसलिए यह हम सबका है, इसलिए यह सिक्का क्या है, हम सबका है। हाँ, क्यों न हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें। तो बाकी अन्य यात्रियों ने भी कहा कि हाँ, क्यों नहीं, हम ऐसा करते हैं कि हम आपस में कुछ खरीद कर, इस सिक्के का कुछ खरीद कर क्या कर लें, कुछ बांट लें, कुछ खरीद लेते हैं और उसको आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, पर क्या खरीदें। तो इसमें तीसरे ने कहा कि ठीक है, पर लेकिन खरीदेंगे क्या हम इस सिक्के का, यह सवाल वह आपस में कर रहे हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेरा तो मन मीठी चीज खाने का कर रहा है। उसमें से एक यात्री ने क्या कहा कि मेरा मन जो है मीठी चीज खाने का कर रहा है। तो इतने में दूसरे ने कहा ठीक है, पर कई मीठी चीज़ें खरीदेंगे। तो दूसरे यात्री ने कहा कि ठीक है भाई, हम बहुत सारी मीठी चीज़ें खरीदेंगे। इसके बाद तीसरा यात्री बोला, पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। और उसने कहा मुझे तो प्यास लगी है और मुझे प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। अब एक सिक्का उनको मिला है यहाँ पे और वो ये कह रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ खरीद कर इसे आपस में बांट लेते हैं। और उसमें से एक कह रहा है कि जो मेरा मन है वह मीठी चीज़ खाने का कर रहा है, और दूसरा कह रहा है ठीक है पर कई मीठी चीज़ें खरीदेंगे, और तीसरा कह रहा है कि मुझे प्यास लगी है और मुझे प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे पहला बोल रहा है कि एक मिठाई ही बहुत है, पहला कह रहा है कि एक मिठाई ही बहुत है, दूसरा कह रहा है मुझे तो कई चाहिए, और तीसरा बोल रहा है मुझे प्यास लगी है। अब वो तीनों आगे बढ़ते हैं। तो एक कह रहा है कि एक मिठाई ही बहुत है, दूसरा कह रहा है मुझे तो कई चाहिए, और तीसरा कह रहा है मुझे प्यास लगी है। उसके बाद क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हो। इतने में उन्हें एक वहां पे बूढ़े व्यक्ति दिखाई दिए, उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, आप लोग झगड़ क्यों रहे हो। तो तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई, तीनों ने बूढ़े को अपनी अपनी समस्या बताई। किसी को मिठाई खानी थी, किसी को बहुत सारी मिठाई खानी थी, और कोई किसी ने कहा कि मुझे प्यास लगी है। तो तीनों ने उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी समस्या बताई। अरे बस इतनी सी बात, बड़ा आसान सा उपाय है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने बताया कि अरे बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, इसका तो बहुत ही आसान उपाय है, आसान तरीका है। उपाय का अर्थ होता है तरीका है। तो वहां पे कुछ अंगूर खरीद लीजिए।
तो उस बूढ़े व्यक्ति ने क्या बताया कि कुछ अंगूर खरीद लीजिए। तो वहाँ पे उन्होंने जब अंगूर खरीदे तो उसमें से पहले यात्री ने कहा यह तो बहुत मीठे हैं। क्या बताया उसने कि यह तो बहुत मीठे हैं। और दूसरे ने कहा यह तो बहुत सारे हैं, क्योंकि दूसरे यात्री ने कहा था कि उसे मीठा खाना है लेकिन बहुत खाना है। और तीसरे ने कहा ये मेरी प्यास बुझाएंगे। और तीसरे ने कहा ये जो अंगूर हैं वह मेरी प्यास बुझाएंगे। उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी। और वो बच्चे जो यात्री थे तीनों, उन्होंने क्या कहा कि उस बुजुर्ग, बुजुर्ग का अर्थ सयाना आदमी या बूढ़ा व्यक्ति, उन्होंने ये क्या कर दी हमारी समस्या को बहुत ही आसानी से हल कर दी। इसके बाद हम अगले बढ़ते हैं पाठ पाँच है दोस्त की पोशाक। दोस्त की पोशाक, पोशाक का अर्थ होता है कपड़े, पोशाक का अर्थ कपड़े। तो हम आगे बढ़ते हैं। एक बार नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त जमाल साहब से मिले। एक बार क्या हुआ कि नसीरुद्दीन अपने बहुत पुराने दोस्त किससे मिले, जमाल साहब से मिले। तो नसीरुद्दीन के एक बहुत पुराने दोस्त थे जिनका नाम क्या था, जमाल साहब। तो बहुत पुराने दोस्त से एक बार क्या हुआ, जमाल साहब मिले अपने पुराने दोस्त से मिलकर वे बड़े खुश हुए। जैसे ही उन्हें उनके पुराने दोस्त जमाल साहब मिले, उनसे मिलकर वह बहुत खुश हुए। आप भी जब अपने किसी मित्र से मिलते हैं, पुराने मित्र से, तो आपको भी उनसे मिलकर क्या होती है, बहुत खुशी होती है। ठीक उसी प्रकार नसीरुद्दीन भी अपने पुराने दोस्त जमाल साहब से जब मिले तो उनसे मिलकर वह बहुत खुश हुए। कुछ देर गपशप करने के बाद, यानी कुछ देर गपशप का अर्थ बातचीत करने के बाद, उन्होंने कहा चलो दोस्त मोहल्ले में घूमाएं। कुछ देर उन्होंने आपस में बातचीत की, गपशप की, और फिर उन्होंने कहा, किससे कहा, नसीरुद्दीन ने किससे कहा, जमाल साहब से कहा कि चलो दोस्त मोहल्ले में घूम आएं, चलो हम अपने मोहल्ले में घूमकर आएं, मोहल्ले या अपने पड़ोस में घूमकर आएं। जमाल साहब ने जाने से क्या कर दिया, मना कर दिया। जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया और कहा अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। तो जमाल साहब ने जाने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि अपनी इस मामूली सी पोशाक में मैं लोगों से नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा जो मैंने एक अपने कपड़े पहने हैं वो मामूली से कपड़े पहने हैं, और इस मामूली सी पोशाक में मैं क्या कर सकता हूँ, लोगों से नहीं मिल सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, लोगों से नहीं मिल सकता हूँ। तो नसीरुद्दीन ने कहा बस इतनी सी बात। तो नसीरुद्दीन ने क्या कहा कि दोस्त बस इतनी सी बात। नसीरुद्दीन तुरंत उनके लिए अपनी एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए। तो नसीरुद्दीन तुरंत ही क्या क्या उन्होंने अपनी एक भड़कीली, भड़कीली खूब सजी धजी हुई जिसमें सितारे भी जड़े होते हैं, काफ़ी चमकीली भड़कीली अचकन, अचकन एक प्रकार की पोशाक होती है, वह अपने दोस्त के लिए निकाल कर लाए। यहाँ पे दिखा रखा है अचकन, ये एक घेरेदार यहाँ पे कुर्ता है, यहाँ पे इसको अचकन कहा जाता है। तो नसीरुद्दीन अपने दोस्त के लिए तुरंत ही एक भड़कीली अचकन निकाल कर लाए और कहा
इसे पहन लो। और अपने दोस्त जमाल साहब से क्या कहा कि इसे पहन लो, इसमें तुम खूब अच्छे लगोगे, इस अचकन में तुम बहुत ही अच्छे लगोगे, सब देखते रह जाएंगे और सब लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। यह बात नसीरुद्दीन ने अपने दोस्त जमाल साहब से कही। बंठन कर दोनों घूमने निकले, और खूब बंठन कर सज धज कर दोनों जब घूमने निकले, दोस्त को लेकर नसीरुद्दीन पड़ोसी के घर गए, और अपने दोस्त जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन अपने पड़ोसी के घर गए। आगे बढ़ते हैं। नसीरुद्दीन ने पड़ोसी से कहा, ये हैं मेरे खास दोस्त जमाल साहब। और अपने पड़ोसी से जब नसीरुद्दीन ने जमाल साहब को मिलाया तो उन्होंने कहा कि देखो ये हैं मेरे खास दोस्त, ये मेरे खास दोस्त हैं और इनका नाम क्या है, जमाल साहब है। आज कई सालों बाद इनसे मुलाकात हुई है, और आज मेरी इनसे कई सालों के बाद मुलाकात हुई है, भेंट हुई है। मुलाकात का अर्थ भेंट हुई है। वैसे जो अचकन इन्होंने पहन रखी है वह मेरी है। और इतने में नसीरुद्दीन ने क्या कहा, वैसे जो इन्होंने अचकन पहनी है, जो ये पोशाक पहनी है वह मेरी है। तो नसीरुद्दीन ने यहाँ पे अपने दोस्त को बारे में बताया कि इन्होंने जो अचकन पहनी है वह मेरी है। अब आगे क्या हुआ, यह सुनकर जमाल साहब पर तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। और जैसे ही जमाल साहब ने यह सुना तो मानो घड़ों पानी पड़ गया। घड़ों पानी पड़ जाना, यहाँ पर ये एक मुहावरा भी आता है कि घड़ों पानी पड़ना, इसका अर्थ होता है बहुत लज्जित होना, बहुत शर्मिंदा होना। क्योंकि यहाँ पर जमाल साहब को काफ़ी शर्मिंदा होना पड़ा। क्यों शर्मिंदा होना पड़ा, क्योंकि नसीरुद्दीन ने कहा कि जो इन्होंने अचकन पहन रखी है वह मेरी है। उनको वहाँ पे अपनी बेइज्जती महसूस हुई। तो यहाँ पे जैसे ही जमाल साहब ने सुना तो मानो घड़ों पानी पड़ गया, यानी वह बहुत ही शर्मिंदा हो गए, बहुत ही लज्जित हो गए। बाहर निकलते ही मुंह बनाकर उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा, तुम्हारी कैसी अकल है, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है। तो जैसे ही वो बाहर निकले, अपने पड़ोसी के घर से बाहर निकले, तो उन्होंने मुंह बनाया, थोड़ा सा नाराजगी जताई, और उन्होंने नसीरुद्दीन से कहा कि तुम्हारी कैसी अकल है, पता नहीं अकल तुम्हें ये अकल तुम्हें कैसी अकल तुम्हें दी है यहाँ पे, क्या यह बताना जरूरी था कि यह अचकन तुम्हारी है, क्या उस पड़ोसी को तुम्हें यह बताना जरूरी था कि जो मैंने यह अचकन पहनी है वह तुम्हारी है, तुम्हारी अकल पता नहीं किस तरह की है, यह मुझे समझ में नहीं हो आया। इसलिए जमाल साहब यहाँ पे क्या हो गए, थोड़े से नाराज हो गए। तुम्हारा पड़ोसी सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। इससे यह बात साबित होती है कि तुम्हारा पड़ोसी यह सोचेगा या यह सोच रहा होगा कि मेरे पास अपने कपड़े हैं ही नहीं। इसके बाद नसीरुद्दीन ने माफ़ी मांगते हुए कहा। इतने में अब नसीरुद्दीन को भी यह एहसास हुआ कि वास्तव में उन्होंने यह बात गलत बोली। उन्होंने अपने दोस्त जमाल साहब से माफ़ी मांगी और कहा, गलती हो गई, मेरे से क्या हो गई, गलती हो गई, अब ऐसा नहीं कहूँगा, अब आगे चलकर मैं ऐसा नहीं कहूँगा, मेरे से गलती हो गई। और उन्होंने अपने दोस्त से माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा, दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई है, अब आगे से मैं ऐसा
नहीं कहूँगा। अब नसीरुद्दीन उन्हें हुसैन साहब से मिलवाने ले गए। इसके बाद जब वो आगे बढ़े नसीरुद्दीन जमाल साहब को लेके, तो अब उन्हें उन्होंने क्या किया, जमाल साहब को हुसैन साहब से मिलवाया। किससे मिलवाया? हुसैन साहब से। हुसैन साहब ने गर्मजोशी से उनका स्वागत सत्कार किया, और जो हुसैन साहब से यानी उन्होंने बहुत अच्छा उनका क्या किया, सत्कार किया, उनकी आवभगत की। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, आप भी क्या करते हैं, उनका बहुत ही गर्मजोशी से उनका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, उनके लिए तरह तरह के क्या करते हैं, पकवान बनाते हैं और उन्हें अच्छा खाना पीना खिलाते हैं। तो उसी तरह से हुसैन साहब ने भी उनका बड़ा ही गर्मजोशी से क्या किया, स्वागत सत्कार किया। जब जमाल साहब के बारे में पूछा तो नसीरुद्दीन ने कहा, जब जमाल साहब के बारे में पूछा गया तो नसीरुद्दीन ने क्या कहा इस हुसैन साहब से, कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं। कि जमाल साहब क्या हैं, मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। इस बार भी नसीरुद्दीन ने क्या कर दी, गड़बड़ कर दी, और इस बार भी इन्होंने क्या कह दिया कि यह मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है। तो जमाल साहब फिर से नाराज हो गए, और इस बार भी जमाल साहब फिर से क्या हो गए, नाराज हो गए। बाहर आकर बोले, झूठ बोलने को किसने कहा था तुमसे? और उन्होंने कहा कि तुमसे झूठ बोलने को किसने कहा था, क्यों? नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा चाहा मैंने वैसा ही तो कहा। तो यहाँ पे नसीरुद्दीन ने कहा, तुमने जैसा मेरे से कहा था मैंने वैसा ही तो कहा। तुमने कहा था कि तुम यह मत बताना कि यह अचकन तुम्हारी है, लेकिन इस बार मैंने ऐसा नहीं कहा। इस बार तो मैंने क्या कहा कि ये जो अचकन तुमने पहनी है वह तुम्हारी ही है, यही तो मैंने बोला था। इस बार आगे क्या हुआ, पोशाक की बात कहे बिना काम नहीं चलता क्या? अब यहाँ पे जमाल साहब कह रहे हैं कि ये पोशाक का, बार बार पोशाक की बात कहना जरूरी है क्या, बिना इस बात को कहे तुम्हारा काम नहीं चलता? तो जमाल साहब यहाँ पे थोड़ा नाराज हुए अपने मित्र किससे, नसीरुद्दीन से। उसके बारे में न कहना ही अच्छा है। आप जहाँ पर भी जाते हैं बार बार उसके बारे में कहना कोई जरूरी है? और मुझे यह लगता है कि इसके बारे में न कहना ही अच्छा है। जहाँ पर भी हम लोग जा रहे हैं अपने मोहल्ले में, आप किसी से भी ये न कहें, इसका कोई जिक्र ना करें, यह अच्छा नहीं है। जमाल साहब ने समझाया, जमाल साहब ने किसको समझाया, नसीरुद्दीन को, कि हम जहाँ पर भी जिस मोहल्ले में या जिस आदमी से हम मिल रहे हैं उसको यह बताना जरूरी नहीं है कि यह अचकन किसकी है। इसके बाद जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन आगे बढ़े, और जमाल साहब को लेकर नसीरुद्दीन क्या हुए, आगे बढ़े। तभी एक अन्य पड़ोसी मिल गए। इतने में जब वह जमाल साहब को लेकर और आगे बढ़े तो तभी उनको एक और पड़ोसी मिल गए। नसीरुद्दीन ने जमाल साहब का परिचय उनसे कराया, और नसीरुद्दीन ने उस पड़ोसी से क्या किया, जमाल साहब का परिचय करवाया। मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। तो नसीरुद्दीन ने क्या कहा कि मैं आपका परिचय अपने पुराने दोस्त से करवा दूं। यह हैं जमाल साहब। यह कौन है, जमाल साहब, और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में मैं चुप ही रहूं तो अच्छा है। और फिर से जमाल साहब ने अचकन का जिक्र करके फिर से गड़बड़ कर दी, और इस बार उन्होंने क्या कहा कि यह मेरे एक बहुत पुराने दोस्त हैं और इन्होंने जो अचकन पहनी है उसके बारे में अगर मैं चुप ही रहूं तो वह अच्छा
है। तो यहाँ पे इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम अपने मित्र को कोई भी चीज़ देते हैं, अपनी कोई भी चीज़ देते हैं, उसका बाहर के लोगों के सामने जिक्र करना अच्छा नहीं होता है। इससे उसकी क्या होती है? बेइज्जती होती है, उसे शर्मिंदा होना पड़ता है। तो यहाँ पे नसरुद्दीन एक प्रकार से काफ़ी ना समझी कर रहे थे और बार बार उस अचकन का जिक्र अपने पड़ोसियों से करते जा रहे थे, जो कि अच्छा नहीं है। इसी पर जमाल साहब उनसे काफ़ी नाराज हो रहे थे कि तुम्हें इस बात का जिक्र करना क्यों अच्छा लगता है, तुम इस बात का क्यों जिक्र बार बार करते रहते हो। इसलिए यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें अपने मित्र की कहीं पर बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, उन्हें जिससे कि उसे कहीं पर शर्मिंदा होना पड़े। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और यहाँ पे कहानी आ रही है, ये केवल पढ़ने के लिए है। नसीरुद्दीन का निशाना, एक और नसीरुद्दीन है यहाँ पे और उनका निशाना। नसीरुद्दीन का निशाना। तो एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे। क्या हुआ कि एक दिन नसीरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे बतिया रहे थे, यानी बातें कर रहे थे। बात ही बात में उन्होंने गप मारना शुरू कर दिया और बात ही बातों में उन्होंने क्या कर दिया? गप्पे मारना शुरू कर दिया। गप्पे यानी आधी सच और आधी झूठी बातें, और उन्होंने अपने दोस्तों के साथ गप मारना शुरू कर दिया। क्या कहा? तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। तीरंदाजी में मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता, यानी धनुष पर बाण चढ़ाकर किसी निशाने को साधना, इसमें मेरा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मैं धनुष कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। उन्होंने क्या कहा? मैं अपने धनुष को क्या करता हूँ? कसता हूँ, निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। क्या किया जाता है? अगर धनुष पर बाण, पहले धनुष को क्या किया जाता है? कसा जाता है रस्सी डोरी से, और उसके बाद निशाना साधता हूँ, जो वहाँ पे आपका निशाना होगा किसी चीज़ पर निशाना लगाना होता है। और क्या करता हूँ? निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। फिर क्या करता हूँ? उस निशाने पर अपना उस चीज़ पर अपना निशाना साधता हूँ और तीर छोड़ता हूँ। सूं, और आवाज़ कैसी होती है उस तीर को छोड़ने के बाद? सूं, ऐसी आवाज़ होती है। तीर सीधे निशाने पर लगता है, और नसीरुद्दीन क्या बता रहे हैं कि मेरा जो तीर है वह सीधे कहाँ पर लगता है?